हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईसीआर यूजी 2022 का रैंक कार्ड है वो कब तक जारी हो जाएगा, कब तक आपका काउंसलिंग प्रोसेस से होगा, उसके बाद एडमिशन प्रोसेस कब तक चलेगा और कब तक आपकी क्लासेस है वो स्टार्ट होगी। चलिए तो आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो रैंक कार्ड के रिलेटेड डाउट है वो इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। साथ ही साथ जो स्टूडेंट इस बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो कौन कौन स्टूडेंट है, मतलब क्या चांसेस रहेगा। जैसे कि हम बात करें, सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो पीसीबी के स्टूडेंट, मतलब नीट के स्टूडेंट है, तो क्या उससे इस बार जो है बात करें कि आईसीआर का काउंसलिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ जबकि नीट का काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इससे बड़ा बेनिफिट आपको आईसीआर के स्टूडेंट्स को होने वाला है, जिसने एग्रीकल्चर से एग्ज़ाम दिया है उनको बड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट है वो यहाँ पे जो टॉपर्स है, जैसे कि हम बात करें जिसके 90% आ रहा है, 95% आ रहा है, कहीं ना कहीं उनके जो है नीट में भी अच्छा स्कोर होने के कारण वो जो है MBBS की काउंसलिंग के लिए, जैसे VDS की काउंसलिंग के लिए, वेटनरी की काउंसलिंग के लिए जाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो आपके आईसीआर यूजी 2022 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जिससे कि बेनिफिट ये होगा जिनका कम स्कोर है उनको सीट मिलने का चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ही आपका जो हम बात करें आईसीआर की, तो 61,000 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम्स दिया है। दूसरी बड़ी बात ये कि लास्ट ईयर की हम बात करें तो 15% सीटों पर एडमिशन होता था, इस बार आपका 20% सीटों पर एडमिशन होगा, ठीक है। तो काफ़ी कुछ सीटें भी इस बार बढ़ चुकी है। पिछले साल की हम बात करें तो 3,000 के अप्रोक्स सीट था, तो इस बार मैक्सिमम चांसेस है कि आपका सीट है वो काफ़ी बड़ा होगा, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपने पहले भी हमने बताया है कि आपका 100% सीटों पे एडमिशन लेने वाली है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे काउंसलिंग और आपका रैंक है कब तक आएगा और काउंसलिंग प्रोसेस कब तक और क्लासेस जो सेमेस्टर क्लास होती है आपकी वो कब तक स्टार्ट हो जाएगी। आपका हम बता दें कि आपका एक साल में 2 सेमेस्टर होता है और मंथली आपका एक सेमेस्टर है वो 4 महीने का होता है, ठीक है। 4 महीने का एक आपका सेमेस्टर चलेगा जिसमें आपका 2 बार एग्ज़ाम होता है, जिसे मिड टर्म और एंड टर्म एग्ज़ाम बोला जाता है, ठीक है। तो ये 2 बार आपका एग्ज़ाम्स होगा, जिसे आप ये प्रोसेस जो है आपकी क्लासेस की वो आपकी जनवरी तक स्टार्ट हो जाएगी। जनवरी तक आपका कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस होने के बाद आपको एडमिशन होने के बाद आपको जो है कॉलेज में बुलाया जाएगा, वहाँ पे आपकी जो है हॉस्टल अलॉटमेंट होने के बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएगी। तो यहाँ पे आपको वेट क्या करना है, वेट अभी रैंक कार्ड का वेट करना है। रैंक कार्ड के लिए अभी तक आपका ऑफिशियल साइट पर कोई भी अपडेट है वो आईसीआर के द्वारा नहीं दिया गया है, तो कब तक आपको ऑफिशियल साइट पर अपडेट है वो दिखने को मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे बात करें तो मैक्सिमम चांसेस है कि इस वीक में आपका जो है रैंक कार्ड है वो रिलीज आपकी ऑफिशियल साइट पे कर दिया जाएगा, ठीक है। हालांकि अब एंटी क्या करता है, इस देखिए हमने पहली बार भी लास्ट टाइम बात किया था, कल एंटी से हमने बात किया तो उन्होंने किया कि दावा किया कि इस जो है इस वीक पे, ठीक है, इस वीक में आपका जो है रैंक कार्ड जारी कर दिया जाएगा। हालांकि अभी उनसे स्टाफ से बात हुआ था, अब सीनियर ऑफिसर से नए बात होने के कारण क्लियर नहीं हो पाया कि कब तक एग्जैक्ट डेट आपका क्या अनाउंसमेंट होगा। तो आपको जो है अभी वेट करना है, जैसे आपका अपडेट है वो रैंक कार्ड के अगार्डिंग आएगा तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। साथ ही साथ काउंसलिंग प्रोसेस कब तक स्टार्ट हो जाएगा, यदि आपका इस वीक में आपका जो है रैंक कार्ड जारी किया जाता है तो आपका नवंबर के 1st वीक तक जो है आपका काउंसलिंग प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाएगा और दिसंबर के एंड तक, मतलब जनवरी के 1st या 2nd वीक तक मॉकअप राउंड कंप्लीट हो जाएगा और आपका काउंसलिंग जो एडमिशन प्रोसेस है वो जनवरी के लास्ट वीक तक कंप्लीट होकर आपका जनवरी के लास्ट वीक में ही आपका क्लासेस है वो रन होने लग जाएगी, मतलब क्लासेस चलने लग जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको सबको समझ में आ गया होगा कि आपको अभी वेट करना है। इस वीक आपका कन्फर्म तो नहीं है बट आपका, जैसे हम एनटीए के स्टाफ से बात किए तो उन्होंने दावा किया कि इस वीक आपका जो है रैंक कार्ड जारी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपका जो है इस वीक में हम जो है अगले वीक में आपका काउंसलिंग प्रोसेस के शेड्यूल भी जारी किया जा सकता है, लेकिन अभी आपका ऑफिशियली कोई अपडेट है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो वेट कीजिए। जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट आपकी ऑफिशियल साइट पे जारी होगा तो आपको हम जो है इन्फॉर्मेशन हमारे वीडियोस पे मिल जाएगा। साथ ही साथ जो स्टूडेंट हमारी टीम से पर्सनल काउंसलिंग करवाना चाहते हैं वो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिनका, क्योंकि आपको भी पता है कि इस बार जो है काउंसलिंग प्रोसेस में होने वाला है कि जैसे कि कुछ स्टूडेंट हैं जो लास्ट ईयर के डाटा के बेसिस पे जो है काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, तो लास्ट ईयर की हम बात करें तो 1,16,000 स्टूडेंट का थे और इस बार 61,000 है, ठीक है। लास्ट ईयर की हम बात करें तो आपका 15% सीटों पे आपका जो है एडमिशन होता था लेकिन इस बार 20% पे होता है। तो यदि आप लास्ट ईयर के डाटा के अनुसार आप चॉइस फिलिंग करोगे तो कहीं ना कहीं वो चॉइस है वो गलत हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ सीट दोनों काफ़ी चेंज हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखें, यदि आप किसी अच्छे से आपको जानकारी नहीं है तो काउंसलिंग में नहीं जाएँ, खुद से काउंसलिंग नहीं करें, किसी एक्सपर्ट से काउंसलिंग करें और हमारी टीम से भी आप काउंसलिंग में हेल्प ले सकते हो, जिसका नंबर आपको स्क्रीन पर
दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और जो स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक दिया है, वहाँ पे आप फ्री गाइडेंस या इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो। साथ ही साथ जो पर्सनल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है या पर्सनल काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लेकिन वही स्टूडेंट कॉन्टैक्ट करें जिनको काउंसलिंग करवाना हो। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।